और मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने 40 लिए हैं टोटल, तो 40 में आपके 40 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगी, लेकिन ये मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी रहेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ही नोज द बॉय फ्लिंग द ब्लैंक्स इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि इसका ट्रांसलेट हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो जो हम इसे ट्रांसलेट करने लग जाए कि ही मतलब वह होता है, नो मीन्स होता है जानना, तो ये तो नहीं बोला है। तो आप ये देखिए बस कि आपको इतना पता हो कि विच का मीन क्या होता है, हु का क्या होता है और वेयर का क्या होता है। वेयर मीन्स क्या होता है बेटा? कहाँ, ठीक है? हु मतलब होता है कौन और विच मतलब होता है कौन सा। ओके, तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो चल रही है ही नोज द बॉय फिलिंग द ब्लैंक्स इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, मतलब कि वो इसमें कहाँ का तो कोई रोल है ही नहीं कि कहाँ आएगा, ठीक है? विच आने की कोई चांस नहीं है, तो बचा क्या? हु। ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, मतलब कि वह बहुत अच्छे से जानता है उस बॉय को जिसने ब्लू शर्ट वियर की पहनी, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हिज ब्रदर इज फ्लिंग द ब्लैंक्स आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल, मतलब कि अब देखो हिंदी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ जानेंगे कि ए एंड द का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो द आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी फेमस चीज़ के लिए हम द लगाते हैं, ओके? प्लस द अगर आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, उसके अंदर जो स्पेशलिटी वो बता रहे हैं, तो भी हम क्या लगाते हैं? द। तो यहाँ पर आप बोलोगे यस मैम, स्पेशलिटी बताई जा रही है क्योंकि उसका जो ब्रदर है वो आरजे है ना रेडियो चैनल में, तो उसका ब्रदर आरजे है तो आपका भी हो सकता है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है ना, आपका ब्रदर भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है आरजे में होना, है ना? आरजे होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या करें? तो द आने के कोई चांस नहीं है। उसके बाद अब बचा आपके पास ए और एन। आप जानते हैं कि एन लगता है हमारा वोवेल्स में, कहाँ लगता है एन? वॉवेल्स में। और वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ये अगर आपको दिख जाते तो बिना देखे आप क्या लगा दीजिएगा? एन। ये नहीं दिखते तो आप लगा दीजिएगा ए। ये मैंने बहुत अच्छे से हेडर पे समझाया है आर्टिकल, बट अभी टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगी कि जो बच्चा जिस बच्चे ने वो वीडियो भी नहीं देखा है वो भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसे भी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद? आर और जे। अगर हम आर को देख के ए लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि दिस इज इंग्लिश, ये इंग्लिश है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना, वाइल्ड लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है, तो वैसे इंग्लिश में तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमें आर जे तो दिख रहा था, बट यहाँ पर आर को हम लिखते हैं हिंदी में उच्चारण करें तो आर लिखा जाता है, और अ से बनता है हमारा ए, तो ए वॉवेल्स है क्या? यस, हमने बोला था अभी कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वॉवेल्स। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। क्या आ जाएगा? एन, ए नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं हम थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है देयर इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। अब देखो यहाँ पर मैनी पे आते हैं हम पहले। मैनी आपको पता है जहाँ पर जिन चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसमें मैनी लगता है, तो पानी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, अनकाउंटेबल है, पानी गिना कैसे जाएगा? हमारे हेयर है, बालों को गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो मैनी आने का तो कोई चांस नहीं है। अब बच गए सम और एनी। आपको पता होगा बेटा कि सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस में और एनी का यूज़ होता है निगेटिव सेंस में, मतलब कि जब सेंटेंस पॉजिटिव है सकारात्मक है उसमें नॉट नहीं है तो क्या आ जाता है? सम। अगर कोई सेंटेंस है उसमें नॉट अगर दिख जाता है तो क्या आता है? एनी। प्लस एनी का एक और है कि जब किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा हो, क्या पूछा हो? क्वेश्चन, तब भी क्या आता है? एनी। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या बात हो रही है? देयर इज नॉट, यहाँ तो हमें नॉट क्लियर ही दिख गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनी, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर क्या आएगा? एनी, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ही हैज फिलिंग द ब्लैंक्स मैनी प्लेस। यहाँ पर
इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है? तो ही हैज़ लग गया है, ओके, हैज़ हैव, ठीक है, हैज़ हैव लग गया है, तो रॉट तो आएगा नहीं, राइट आ सकता था अगर हैज़ नहीं होता तो, है ना, क्योंकि सिंपल टेंस बन जाता, बट हैज़ आ गया तो वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, है ना, हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें लगती वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न। रॉट नहीं आएगा, रॉट जब आता जब यहाँ पर हेड होता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लिंग द ब्लैंक्स आई टेक योर पेन, नीड मे यूज, नीड का तो कोई चांस नहीं होता, नीड जब हम बोलते हैं जब हमें आवश्यकता हो, तो नीड आई टेक योर पेन, नहीं ऐसा तो नहीं बोला जाता। यूज आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन यूज कर लूँ, तो नो, ये भी कोई चांस नहीं। मे आई टेक योर पेन, जब हमें किसी से कुछ मांगना रहता है तो हम पोलाइटली क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मे आई करेंगे, क्या आप मुझे आपका पेन दे सकते हैं, मैं ले सकता हूँ आपका पेन, तो हम क्या बोलेंगे, मे। कैन का यूज़ भी नहीं किया जाता, क्योंकि कैन पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होती, कैन आप ये बोलते हो ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, हाँ या ना में बोलो, इसका मतलब होता है कैन। मे मतलब होता है जब आप किसी से क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। सिक्स देखिए, वी फ्लिंग द ब्लैंक्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड, क्योंकि करना चाहिए, ठीक है। मस्ट भी आएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही चाहिए। और आउट, आउट आने के भी इसमें फुल चांस है कि वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। अगर ये टी ओ टू नहीं होता तो हम क्या लगा देते, मस्ट, लेकिन ये टी ओ टू के आ जाने से हम क्या लगाएंगे इसमें, आउट। मस्ट होता है जब हम बिल्कुल निश्चित ही बोल दें, है ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, मस्ट, है ना, तो मस्ट आ जाता है। शुड हो जाता है कि करो तो करो, नहीं तो मत करो, तो शुड आ जाता है। चाहिए जब आप किसी को सलाह देते हैं, वैसे तीनों सेंस सलाह के ही होंगे, बट मस्ट जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है, बहुत ज़्यादा मस्ट, है ना, और आउट भी रहता है वो बहुत ज़्यादा मस्ट के जैसा ही है। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज यंग आई फ्लिंग द ब्लैंक्स क्लाइम ट्रीज। अब इसमें कैन आएगा कि कुड आएगा, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपके पास केवल और केवल दो ही ऑप्शन है, कैन और कुड के। तो व्हेन आई वाज यंग मतलब ये पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुड, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बॉट फिलिंग द ब्लैंक्स मिल्क टूडे। कुछ बच्चे से समझ नहीं पाते कि एन और ये ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो अपोस्ट्रोफी इसको नहीं समझ पाते, तो इसका मतलब भी क्या होता है, बेटर नॉट, तो नॉट लगाए तो बिना माइंड लगाए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एनी। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर देखिए, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। तो हाउ मच आएगा कि मैनी आएगा, मैंने आपको अभी बताया था, मच जिसे हम गिन नहीं सकते, मैनी जिसे हम गिन सकते, तो बच्चों को तो हम गिन ही सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। टेन नंबर देखिए, हाउ फिलिंग द ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। मच मैनी, शुगर को गिन थोड़ी सकते, अगर चाय में शक्कर मिला दी तो गिनेंगे क्या, नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, मच, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट, द अर्थ फ्लिंग द ब्लैंक्स राउंड द सन मूव्स की मूव। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिए अभी इससे समझते हैं। द अर्थ फ्लिंग द ब्लैंक्स मूव्स आएगा, क्या कह रही है, घूम रही है, मूव्स, मूव नहीं आएगा, ओके, चलिए। ही ऑलवेज फ्लिंग द ब्लैंक्स ऑन टाइम, वह हमेशा टाइम पर आता है या आती है, आता है। कम्स या कम, तो एस लगा हुआ है तो हमें भी एस लगाना पड़ेगा, कम्स, ठीक है। फ्लिंग द ब्लैंक्स गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो गंगा, गंगा तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द, बिना माइंड लगाए द लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, अरुण इज फ्लिंग द ब्लैंक्स टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप बोलोगे कि अरुण कोई फेमस थोड़ी है जो यहाँ पर द आएगा, है ना, अरुण अगर है बॉय तो है बॉय, बट यहाँ पर बात चल रही है कि अरुण बॉय तो है प्लस टॉलेस्ट है, उसकी क्या बताई जा रही, क्वालिटी बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द का यूज़ होता है जब आप किसी की क्वालिटी भी बताएं, नॉट ओनली फेमस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द। और यहाँ पर वैसे भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री हो रही है, टॉल टॉलेस्ट टॉलर, अगर ऐसा कुछ आता तब भी द लगता। हिज फादर इज फिलिंग द ब्लैंक्स MLA, बिना माइंड लगाए एम आ गया। मैंने बोला था अगर आपको AEIOU में से कुछ भी दिख जाता है तो आप क्या लगा दीजिएगा, AEIOU दिख जाते हैं तो आप लगा दीजिएगा एन, ये नहीं दिखते तो आप लगा दीजिएगा ए। तो बट लिख कर देखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश है। MLA को अगर हम लिखेंगे तो एम ए से बनता है ए, ए तो वॉवेल्स है तो यहाँ पर आ जाएगा एन। अब आप बोलोगे उसके पापा MLA है, तो किसी के पापा भी बन सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 16, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा, सिंस या फॉर। तो देखिए बेटा, आप एक लाइन कर लीजिए, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अपन बोलते हैं ना फॉर टू आवर, मैं टू आवर से पढ़ रही हूँ, या फिर फॉर फाइव आवर या फोर आवर, मैं फोर आवर से वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर टाइम क्या है, निश्चित है कि मुझे 2 घंटे हो गए, तो यहाँ पर क्या लगता है, फॉर। लेकिन जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, अब मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग कितने बजे से स्टार्ट हुई है ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आता है, सिंस। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिंस। नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फिलिंग द ब्लैंक्स 3 ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लियर है कि हम स्टडिंग कर रहे हैं कॉलेज में 3 ईयर से, 3 साल से, तो क्या आ जाएगा, फॉर। नेक्स्ट देखिए, दे विल गो टू दिल्ली फिलिंग द ब्लैंक्स मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये जब भी डेट वगैरह रहती है तो इनमें क्या आता है आपका, ऑन। इन नहीं आएगा क्योंकि इन तब लगता है जब उसके अंदर की बात की जाए, तो मंडे के अंदर क्या बात करेंगे, एट आने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। नेक्स्ट, वी वेंट टू कश्मीर फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रैल। अप्रैल में हम कश्मीर जाएंगे या गए थे, है ना। तो इन, ऑन, ऑन तो आएगा नहीं अभी यहाँ पर, एट आएगा नहीं तो बच क्या गया, इन, क्योंकि मे में बात चल रही, मे, इन मतलब होता है इनसाइड मे, ओके। 20 देखिए, हिज अंकल डाइड फिलिंग द ब्लैंक्स कैंसर। उनके अंकल की डेथ हो गई कैंसर से, तो से का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर हमारा, अब वो हम बाद में देखते हैं ना, पहले अपन देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या है। फ्रॉम ऑफ टू, तो फ्रॉम तो होगा नहीं क्योंकि से है ना, ऑफ होगा, ठीक है। ही इज अफ्रेड फिलिंग द ब्लैंक्स डॉग्स। डॉग्स अफ्रेड, अफ्रेड का आपको पता है अफ्रेड एक प्रीपोजिशन है, अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ, वह कुत्ते से हमेशा डरते हैं या डर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस फिलिंग द ब्लैंक्स आई एम इल। तो इसमें क्या आएगा आपका, एंड, एंड आई एम इल, सो आई एम इल या बिकॉज आई एम इल, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज मीन्स हो जाएगा क्योंकि, मैं ऑफिस इसलिए नहीं गया या गई क्योंकि मैं क्या थी, बीमार थी। फिलिंग द ब्लैंक्स, यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ या अनलेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा आपका इफ, क्या आएगा, इफ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन मेहनत करते तो आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्रीफर कॉफी फिलिंग द ब्लैंक्स टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, टू देन फ्रॉम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, टू, आई प्रीफर कॉफी टू टी, कि देन आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, इसे एक बार अपन देख लेंगे, ठीक है, बाद में। आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी, नहीं, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ये सही है। द पेशेंट हैड डाइड फिलिंग द ब्लैंक्स द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट की डाइड ही हो गई जब तक डॉक्टर आए, बिफोर कि आफ्टर, डॉक्टर के आने के बाद नहीं हुई, डॉक्टर से आने से पहले ही हो गई, इट मीन्स बिफोर। भोपाल इज लार्जर फिलिंग द ब्लैंक्स ग्वालियर। भोपाल जो है लार्जर है किससे, ग्वालियर से, फ्रॉम टू देन, तो इसमें क्या आ जाएगा, देन, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल रही है। जब भी बेटा कंपैरिजन की बात चले तो समझ जाना क्या आएगा, देन, क्या आएगा, देन। जैसे ये बोला जाता है राहुल इज द टॉलर देन, किसी का भी नाम ले लो आप, जैसे अपन बोलते ए इज द टॉलर देन बी, ठीक है, तो यहाँ पर देन आया कि नहीं, उसी तरीके से।
वी वर मेकिंग काइट्स वेन फादर फिलिंग द ब्लैंक्स अराइव या अराइव्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा अराइव्ड. नेक्स्ट डोंट लीव दिस प्लेस फिलिंग द ब्लैंक्स आई कम बैक, मतलब कि जब तक मैं यहाँ से ना आऊँ तब तक इस प्लेस को लीव मत करना, छोड़ना मत. तो अनटिल या वैन, वैन तो होता है जब कब, तो यहाँ तो कोई है नहीं सेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अनटिल, जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये प्लेस छोड़ना मत. फ्लिंग द ब्लैंक्स बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, मतलब कि मेरे पास जब मनी रहती तो मैं ये मोबाइल को खरीद लेता. तो वुड या वुड हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड. ठीक है. नेक्स्ट शी गो टू टेम्पल एवरी डे वेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो मंदिर में रहती थी तो वो डेली कहाँ जाती थी टेम्पल. विल वुड या कुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वुड, डब्ल्यू ओ यू एल डी. शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे वेन शी लिव्ड इन विलेज. ही वॉन्टेड टू फ्लिंग द ब्लैंक्स एन इंजीनियर, वो क्या बनना चाह रहा था इंजीनियर, तो बिकम या बिकम्स या बिकमिंग, तो आएगा इसका बिकम. माई फादर इज अ फ्लिंग द ब्लैंक्स टीचर, रिटायर टीचर, रिटायरिंग तो होगा जो अभी हो रहे हैं, नहीं तो ये तो बोल रहे हैं कि मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो रिटायर्ड. ठीक है, ये भी नहीं आएगा. नेक्स्ट देखिए, ही अवॉइड्स फ्लिंग द ब्लैंक्स टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, तो वो अवॉइड करता है क्या करना, टॉक करना, टॉक्ड करना या टॉकिंग, तो टॉकिंग करना, बातचीत करना क्या करा जाता है अवॉइड. ओके. नेक्स्ट फ्लिंग द ब्लैंक्स गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेल सेलिंग सोल्ड, तो सोल्ड आएगा, जो बेच एक बार बेच जाती कोई चीज़ें बिक जाती है तो वापस से बैक नहीं मिलती. आई हियर सम किड्स फ्लिंग द ब्लैंक्स फॉर हेल्प, शाउट या शाउटेड, तो इसका आएगा शाउट, कि मैंने कुछ आवाज़ सुनी, कुछ बच्चे शाउट कर रहे थे हेल्प के लिए. वर्क हार्ड फ्लिंग द ब्लैंक्स यू विल फेल, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका और, वर्क हार्ड और यू विल फेल, अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे. ही इज फ्लिंग द ब्लैंक्स आवर लेट, यहाँ पर लिखा हुआ है आवर, आप इसे एच ना पढ़े, हावर नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है आवर, हम इसे गलत पढ़ते हैं, तो आवर का हो जाएगा ए और ए हमारा वॉवेल्स है तो यहाँ लग जाएगा हमारा ए एन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन. नेक्स्ट देखिए, प्लीज स्प्रेड फ्लिंग द ब्लैंक्स बटर ऑन ब्रेड, प्लीज स्प्रेड कर दीजिए ब्रेड पर बटर, अ फ्यू अ लिटिल और या फिर फ्यू, तो थोड़ी सी, अ लिटिल की बात चल रही तो अ लिटिल आ जाएगा. ओके कुछ. नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ गिवन फ्लिंग द ब्लैंक्स स्मोकिंग अवे अप या फिर फॉर, तो अप, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग. ठीक है, या फिर इसमें अवे भी आ सकता है कि दूर रहो स्मोकिंग से, ये भी थोड़ा सा डाउट में है, से एक बार देखेंगे हम. फिर वी फ्लिंग द ब्लैंक्स वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें मास्क को पहनना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस पर, तो इसका क्या आएगा, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, मतलब कि शुड. ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गए होंगे. अच्छा.